Children, now we are discussing the most expected questions for our May 2021 examination. As I told you, it is not enough if you work hard. It is also required to work smart also, because most of your classes due to pandemics could not be conducted in a physical manner. And when the classes are not conducted in a physical manner, so many hurdles you will come across. बहुत सारे दिक्कतें आपके सामने आई होंगी. अभी फिजिकली क्लासेस आपका स्टार्ट हो गया है और केवल 2.5 महीने का समय हमारे पास बाकी है और बीच में 1 सप्ताह का समय हमारे पास बाकी है. तो उस 1 सप्ताह का समय में अगर आपको पूरा रिवीजन करना है तो 2.5 महीने आपको प्लान स्टडी करना पड़ेगा. तो प्लान स्टडी के अंतर्गत हमने स्टैटिस्टिक्स पहले हमने शुरुआत की है, सो दैट स्टैटिस्टिक्स इस टॉपिक को मेरे मायने से बहुत सारे बच्चों का ये मानना होता है कि इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक. तो उसके अंतर्गत हमने पहले वीडियोस के अंदर आपको मीन कैसे ढूंढना है और मीन के इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए. आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स का है वो है मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, वो हमें डिस्कस करना है और उसके अंदर मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं वो भी हमको देखना है. तो एक प्रॉब्लम जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो एक बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2016 का हमने लिया है. तो ज़रूरी नहीं है कि यही प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आए, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए. आई कैन नॉट अश्योर यू दैट द सेम प्रॉब्लम विल कम, बट सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन कम इन द एग्जामिनेशन. एंड एक प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम आपको करना आ जाता है. तो टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. सो द क्वेश्चन रीड्स, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 100 फैमिलीज ऑफ ए हाउस होल्ड सोसाइटी आर गिवन इन द फॉलोइंग frequency distribution, find the mode and median for this distribution. नहीं, what you have to find out is mode and median. जैसे ही mode का शब्द आपको सुनाई देता है तो first step आपको करना है, mode का formula आपको लिखना है वहाँ पर, so that आपका marks start हो गया, you start earning the marks. मैंने आपको बताया था कि question paper के अंदर कुल मिलाकर 36 questions होते हैं और हर questions के अंदर आप थोड़ा थोड़ा भी attempt करोगे तो आपको 1-1 marks मिल जाएगा और 36 marks आराम से मिल सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 5 marks. पहला काम है यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर मोड. मोड इज इक्वल टू व्हाट, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई 2f1 - f0 - f2. नेक्स्ट मीडियन आपको ढूंढने के लिए कहा है एल प्लस एन बाई 2 - cf डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच. ये आपको पहले लिख के ही रखना है. अभी क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. मंथली एक्सपेंडिचर 0 से 75 रुपीज, 10 फैमिली को इतना दूध लगता है. 175 रुपीज़ से 350 रुपीज़, 14 फैमिलीज़ को इतना दूध की ज़रूरत पड़ती है. 350 रुपये से 525 रुपये इतने फैमिली को. सो ये दिस इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ फैमिली. तो ये सारा आपको पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भली भांति इसको देख कर आप आराम से पढ़ सकते हो. अब हमारा क्वेश्चन है हाउ टू अर्न मार्क्स. देखिए, जब आपको मोड ढूंढना है तो मोड के अंदर सबसे पहला स्टेप है, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है उसको हम बोलते हैं मोड. तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है उसको आपको देखना है. तो आप ऐसे आज चले जाइए तो आपको दिखाई देगा 28 नंबर का प्रॉब्लम जो है 28 फ्रीक्वेंसी वाला सबसे हाइएस्ट है. तो 28 फ्रीक्वेंसी वाला जो ये है इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास. तो ये मॉडल क्लास होगा. सबसे पहला स्टेप है मॉडल क्लास ढूंढो. तो मॉडल क्लास ढूंढने के लिए आपने क्या किया, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने लिया और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया, फर्स्ट स्टेप उसके. तो मॉडल क्लास इज 700 to 875. कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी गिवन टू यू और आपसे सिर्फ पूछा जाएगा राइट द मॉडल क्लास फॉर वन मार्क्स. यह हो सकता है अगर उसके अंदर आपको क्या बोलते हैं उसको सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम जो 17 से लेकर 21 है, केस स्टडी के प्रॉब्लम्स, उसके अंदर 1 मार्क के लिए एक खास आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके 1 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं. तो हम 1 मार्क का भी कवर कर रहे हैं, 5 मार्क्स का भी कवर कर रहे हैं. तो मॉडल क्लास अगर आपसे पूछा गया तो वॉट यू शुड डू इज सर्च फॉर द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द
what is it? The class interval corresponding to the highest frequency will be the model class. First step हमने किया. उसके बाद हमारा फॉर्मूला है L. L stands for what? Lower limit of the model class. तो lower limit of the model class है बच्चों 700. Lower limit of the model class is 700. आप फॉर्मूला के साथ साथ you should, I just advise you to write all these things here. तो ताकि आपको मार्क्स आपका मिलता चला जाए. उसके बाद आता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास के बाद आता है F1. F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो यहाँ आप आएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है बच्चों 28. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना है? 28. F1 स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है 28. देखिए फॉर्मूला के अंदर जो कुछ भी मुझे चाहिए मैं एक एक करके उसको ढूंढ रहा हूँ. नेक्स्ट आता है F0. F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से पहले वाला फ्रीक्वेंसी यानी F0 इज इक्वल टू व्हाट? 21. तो F0 कितना होगा बच्चों? F0 होगा 21. F0 होगा 21. नेक्स्ट आता है F2. F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी कितना है? वो 7 है. तो F2 इज 7. और नेक्स्ट आता है H, और H का मतलब होता है साइज. और साइज का मतलब होता है, आप देखिए क्लास इंटरवल लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट. यहाँ आप देखिए 0 to 75 है, 175 to 350 है. तो यहाँ पर आप देखिए कि आप इसको माइनस करोगे या तो फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपको पता चलेगा कि साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 175. तो आपने एक काम कर दिया कि यू हैव रिटन द फॉर्मूला प्रॉपरली, यू हैव पुट द वैल्यूज हियर, आपके मार्क्स मिलना शुरू हो गया. मार्क्स स्कोर करना साथ साथ फुल मार्क्स कैसे प्राप्त करना ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के साथ साथ गो विद दिस, पुट दिस वैल्यूज हियर, गो बी वेरी सिस्टमैटिक इन द एग्जामिनेशन. इफ यू आर वेरी सिस्टमैटिक यू विल नॉट गो विथ एनी एरर्स. तो इसके बाद आप इस फॉर्मूले के अंदर आप इसको लिखिए आप, तो मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट, एल स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट दैट इज 700 प्लस F1 इज हाउ मच? 28. माइनस F0 इज हाउ मच? 21. नेक्स्ट आता है 2 into F1 मीन्स 2 into 28 माइनस F0 मीन्स वॉट? दिस इज 21 माइनस F2 दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 175. तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, मान लीजिए आपका यहाँ कैलकुलेशन में गलती भी हो गया, वंस यू राइट द फॉर्मूला पुट दिस वैल्यूज आपको मार्क्स मिलना शुरू हो जाएगा. अगर आपने ये सब नहीं लिखा और डायरेक्टली इसके अंदर आपने लिखना शुरू कर दिया तो यहाँ पूरी गलती हो गई तो आपको मार्क्स कम मिलने के चांसेस हैं. सपोज इफ यू राइट ऑल दिस थिंग्स सेपरेटली, पुट दिस वैल्यूज हियर, इफ यू गो रॉन्ग समवेयर हियर यू मे नॉट गेट फुल मार्क्स, मीन्स यू मे लूज सम मार्क्स. But if at all you write all these things, your mark count starts. So be very systematic in the examination, that is very important. So this is 700 plus 28 minus 21 is 7. This is 56. This is 56 minus 21 minus 7. Multiplied by how much? 175. So this becomes how much? 700 plus 7 divided by, this is 56 minus 28. This is minus 21 minus 7. Minus 21 minus 27 is minus 28. So 56 में से ये चला गया, कितना होगा? 28 होगा into 175. So ये होगा 7 ones are 7, 7 fours are 28. So this becomes how much? 700 plus 175 divided by 4. तो 175 divided by 4 अगर आप करोगे तो 4 fours are 16 carry 1 तो 15 हो गया. 4 threes are 12, is it right now? 4 threes are 12 carry 3 30 हो गया. 4 sevens are 28 I think, 4 sevens are 28 फिर 4 fives are 20 I think it is right now. सही है बच्चों ये? तो now it is 700 plus 43.75, so this is 743.75. So this is the mode. What is the meaning of this mode?
इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स वॉट, सी मोर नंबर ऑफ फैमिलीज, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली, जो मैक्सिमम जो इसको बोलते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली का एक्सपेंडिचर 700 या 700 से ऊपर है दूध के ऊपर। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द मोड। मोड कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको सिंपल स्टेप बताया था कि सर्च फॉर द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी सर्च करने के बाद मॉडल क्लास ढूंढिए। कभी कभी ये कभी कभी क्या करते हैं पता है क्या, ऐसे भी पूछते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दे देंगे और आपको बताएंगे व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास यहाँ पर कितना होगा? 700 होगा। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये तब क्या होगा? दिस प्लस दिस इट इज़ देयर। या व्हाट इज़ द मीन ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये सारे एक एक मार्क के क्वेश्चन मोड के ऊपर पूछ सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दे सकते हैं और उसके ऊपर आपको ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको देकर केवल मोड ढूंढने के लिए बता सकते हैं। तो अगर केवल मोड ढूंढने के लिए आपको बताते हैं तो द प्रॉब्लम इज ओवर हियर, ये प्रॉब्लम आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। मैंने वीडियोज़ काफ़ी बना रखे हैं, आप वीडियोज़ के अंदर आप देख लीजिए कि मैंने स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर वहाँ पर दिया है। और इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ पर आपको पूरे स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों मोड कैलकुलेशन का पार्ट। तो आई थिंक यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है मीडियन कैलकुलेशन। मीडियन कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप होना चाहिए n बाय टू। व्हाट इज इट? n बाय टू। n मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी। ये टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास है 100, तो आपको क्या करना है 100 बाय टू। तो 100 बाय टू होगा 50। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, n बाय टू ढूंढा। n बाय टू ढूंढने के बाद दूसरा स्टेप आपको यहां पर मीडियन में क्या करना है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। मीन में क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मत ढूंढो, बच्चे गलती करते हैं यहां पर। मोड में क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मत ढूंढो, बच्चे यहां पर गलती करते हैं, डोंट डू दैट मिस्टेक। सिर्फ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के अंदर ही ढूंढते हैं। यू मस्ट फाइंड द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली एंड ओनली इन व्हाट? मीडियन। तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढना है तो आप क्या करोगे, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है दिस 10, ये इसको प्लस कीजिए आप 24, ये 24 प्लस 15 होगा 39, ये 39 प्लस 21 होगा 60, 39 प्लस 21 कितना होगा 60, 60 प्लस 28 होगा 88, 88 प्लस 7 होगा 95 और 95 प्लस 5 होगा 100। सो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब भी आपको प्रॉब्लम के अंदर मीडियन कहा जाएगा, हो सकता है मीन का प्रॉब्लम अलग हो, मोड का प्रॉब्लम अलग हो, मीडियन का प्रॉब्लम अलग हो। मोड अगर मैंने आपको पूछा तो जो भी अभी तक बताया दैट इज मोड। मीडियन अगर उसके अंदर मीन एंड मीडियन, जैसे यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए हो सकता है आपको मीडियन एंड मोड दोनों एक साथ पूछे, तो उस संदर्भ में आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो कि मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो यहाँ पर आप देखो कि एन बाय टू जैसी आपने ढूंढा तो n बाई टू की वैल्यू इज 50, द वैल्यू ऑफ n बाई टू इज हाउ मच 50। सो वॉट यू शुड डू इज यू कीप सर्चिंग फॉर 50 हीयर। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, 50 से ये सारे वैल्यूज छोटे हैं। द इमीडिएट नंबर मोर देन n बाई टू इज 60। जो 50 से ऊपर सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है वो है 60, उससे पहले सारे छोटे हैं। तो ये होगा हम, इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। कभी कभी एक मार्क के लिए आपको मीडियन क्लास के प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे व्हाट इज़ द मीडियन क्लास, एक मार्क के लिए, दो मार्क के लिए। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो, एन बाय टू ढूंढो और फिर यहाँ पर उसको सर्च करके सिर्फ मीडियन क्लास, मीडियन आपको लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन पूछ सकते हैं, मीडियन क्लास पूछ सकते हैं या व्हाट इज़ द मीडियन क्लास। फॉर वन मार्क या टू मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उस समय पूरा मीडियन मत ढूंढो, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। व्हाट इज आस्क्ड, कैलकुलेट द मीडियन है तो यू हैव टू राइट द मीडियन, कैलकुलेट द मीडियन क्लास है तो मीडियन क्लास है,
What is the lower limit of the median class hai? So these are all supplementary questions. Main question is median kaise dhoondna hai. Supplementary questions ye sare aa sakte hain. To abhi iske andar aap start kar dijiye. To median class aapko yahan likhna padega. To median class hai, median class hoga 525 to 700. This is the median class. तो नेक्स्ट आता है यल. यल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. तो यल मीन्स हाउ मच लोअर लिमिट. आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो 525 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. यल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. वो कितना है 520. एन बाई टू की वैल्यू आपने अल भी ढूंढा है, दैट इज इक्वल टू 50. क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास का प्रिसीडिंग वाला, इस ये वाला नहीं. क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी स्टैंड्स फॉर क्यूमिलेटिव, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. ये गलती कभी मत करना. बच्चे गलती कहाँ करते हैं, क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ले लेते हैं. मीडियन क्लास से पहला वाला उसका क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी है. तो सी एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 39 है. सी एफ की वैल्यू कितनी है, 39 है. उसके बाद नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास के बाद आपके पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. जहां पर मीडियन है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा. तो यहां पर मीडियन है और आप देखिए हमारा मीडियन क्लास यहां पर है, तो ये 21 जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है 21. नेक्स्ट है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. अभी हमने यहां पर ढूंढा था वो कितना है, 175. अभी हमने यहाँ पर ढूंढा था उसको, तो बार बार उसको मुझे मेरे ख्याल से आपको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है. तो अब मीडियन की वैल्यू आप, तो नाउ इफ यू स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूला, इफ यू स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, द एग्जामिनर विल ऑल्सो हैव द चांस टू अलॉट द मार्क्स. अब कुछ बच्चे पूछते हैं, सर क्या ये टेबल किताब में देने के बावजूद भी लिखना है क्या आंसर बुक में. यस, जब तक आप ये टेबल नहीं लिखोगे तब तक ये सारा डाटा आपको मिलेगा ही नहीं. क्वेश्चन पेपर के अंदर मत लिखो, उसको कॉपीड माना जाएगा. क्वेश्चन पेपर के अंदर इफ यू राइट समथिंग इन द क्वेश्चन पेपर दैट कैन कंसिडर टू बी कॉपीड. यू राइट इट, दो मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, मगर आपको ये कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा. क्वेश्चन पेपर के अंदर यल या वगैरह मत लिखो. तो अब हमारा मीडियन इज इक्वल टू, यल स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट 525 प्लस एन बाय टू स्टैंड्स फॉर, एन बाय टू की वैल्यू अभी हमने ढूंढी यहाँ पर 50. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इज 39. देखिए मैं बार बार वो बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके कानों के ऊपर वो शब्द पड़े और आपके दिमाग में वो याद रहे. फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, दैट इज वेरी सिंपल नाउ. साइज इज 175 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज हाउ मच, 21. दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 21. सो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 525 प्लस 50 माइनस 39 इज 11 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 175 डिवाइडेड बाय 11. नाउ इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आप देखिए 7 3 21 होगा, 7 2 14 होगा, तो 7 5 35 होगा. तो इसको फिर से आप सिंप्लीफाई करोगे तो 525 प्लस दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 5 55 कैरी 5, 11 2 22 प्लस 5 इज 27, तो ये होगा 275 डिवाइडेड बाय 3. इज इट राइट. आप गुणाकार तो कर सकते हो, क्लास 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हो, यू शुड नो हाउ टू मल्टीप्लाई एंड आई होप यू आर स्मार्ट इनफ टू मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 525 प्लस 3 9 27 प्लस 3 9 27 हो गया, बचेगा ये 1, तो 9 3 1 3 फिर बचेगा 2, 3 6 18 3 6 18 इट विल कंटिन्यू. हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 1 ऐड करके यू कैन मेक इट एज 91.67. तो इसको आप प्लस कीजिए बच्चों, तो ये 6 7 एज इट इज़ होगा, 5 + 1 होगा 6, 2 + 9 होगा 11, कैरी 1, दिस इज 616. व्हाट इज इट, 67.
रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, जो कैलकुलेशन आपने किया है उस कैलकुलेशन का मतलब ही आप समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 100 फैमिली है तो 50 फैमिली ऐसे है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, आधे मीडियन से ऊपर होंगे आधे मीडियन से पीछे होंगे। तो अगर आपके पास 50 फैमिली 100 फैमिली है, इफ़ यू आर हैविंग 100 फैमिलीज देन 50 फैमिलीज का दूध का जो खर्चा है वो 616 रुपए से कम होगा और बचे हुए 50 फैमिलीज का जो दूध का खर्चा है वो 616 रुपए से ज़्यादा होगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। तो आई होप चिल्ड्रन कि आपको मीडियन समझ में आ गया होगा, मोड समझ में आ गया होगा, मीडियन और मोड। अब आप क्या करना है कि डोंट एक्सपेक्ट दैट यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ऐसे कोई गारंटी कोई टीचर नहीं आपको दे सकता है। हाँ, मगर एक गारंटी कोई भी टीचर आपको दे सकता है कि इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में गारंटी आएगा। मोड का प्रॉब्लम आता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मीडियन का प्रॉब्लम आता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेथड सही से करना होगा। अब इस वीडियो के नीचे आपको हम लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पर हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरह से कैलकुलेट किया है, तो उन वीडियोज़ को देख के और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कर सकते हो।